दिल्ली नगर निगम के 5 वार्डों पर उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं और आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल भी कर ली है। दिल्ली नगर निगम के 5 में से 4 वार्डों में आम आदमी पार्टी की जीत हो चुकी है, वहीं एक सीट कांग्रेस के खाते में गई है। आपको बता दें, MCD के उपचुनाव के नतीजे भाजपा के लिए परेशानी लेकर आए हैं, क्योंकि इस बार बीजेपी का खाता तक नहीं खुला है। दरअसल बुधवार सुबह हुई मतगणना में शुरू से ही 4 वार्ड पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे थे। हालांकि बाद में नतीजे भी ऐसे ही दिखे। शालीमार बाग नॉर्थ, कल्याणपुरी, त्रिलोकपुरी और रोहिणी सी वार्ड में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को जीत मिली है, जबकि चौहान बांगर क्षेत्र में कांग्रेस ने बाजी मारी है। वहीं आपको बता दें, MCD उपचुनाव में जीत के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खासा जोश दिख रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मनाते भी दिख रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को ट्वीट कर बधाई भी दे दी है। MCD के 15 साल के बीजेपी के शासन से अब दिल्ली की जनता बहुत तंग आ चुकी है और अब चाहती है कि पूरी तरह से झाड़ू लगा के बीजेपी को साफ कर दिया जाए नगर निगम से। और ये चुनाव इस बात का संकेत है कि जनता क्या चाहती है। आने वाले चुनाव में, जब नगर निगम का चुनाव होगा अगले साल, वहाँ भी यही स्थिति होगी। भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होगा और आम आदमी पार्टी की राजनीति, अरविंद केजरीवाल जी की जो काम करने वाली राजनीति है, उसकी जीत होगी। और मैं इस जीत के लिए, जो आज प्रचंड जीत हुई है, 5 में से 4 सीटें मिलना बहुत बड़ी जीत है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं और दिल्ली के सभी वोटर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति पर इतना भरोसा जताया। अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दें, नगर निगम के 5 वार्डों के लिए 28 फरवरी को उपचुनाव हुए थे। इनमें 50% से अधिक मतदान हुआ था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार कल्याणपुरी में 59.19%, त्रिलोकपुरी में 55.95%, चौहान बांगर में 55.60%, रोहिणी सी में 44.58%, शालीमार बाग वार्ड में 43.23% मतदान हुआ था। आपको बता दें, इन 5 वार्डों में 50.86% मतदान हुआ था। मतदान के बाद मुख्य प्रतिनिधि आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस ने जीत का दावा भी किया था। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए और अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए।